हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने हेलमेट के अंदर फ़ैन कैसे लगा सकते हैं। गर्मियों का दिन आ चुका है इंडिया में, सो हम लोग कुछ जुगाड़ खोजते रहते हैं हमेशा की तरह। तो गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बाइकरों के लिए कि उनको हेलमेट तो मिल जाता है, लेकिन हेलमेट में काफ़ी ट्रैफिक पे, रेड लाइट पे रुकने पे काफ़ी गर्मी लगती है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसके अंदर एक चिन के पास फ़ैन लगा दिया जाए, जो कि 12 वोल्ट्स डीसी फ़ैन के पावर से चलेगी, और इसको पावर इसके ऊपर लगे हुए सोलर पैनल से मिलेगा, जो कि 6 वोल्ट्स 80 मिली एम्पियर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये दो सोलर पैनल्स हैं, सर्कुलर सोलर पैनल्स हैं। एक 6 वोल्ट्स 80 मिली एम्पियर्स का है और एक का प्राइस है अराउंड 60 रुपीज़। अगर ये आप ब्लॉग पटना बिहार से देख रहे हैं तो आपको ये सोलर सेल आपको बाकरगंज के SKL इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल जाएगा। 60 रुपीज़ का एक पीस मिलता है 6 वोल्ट 80 मिली एम्पियर्स। तो मैंने ऐसे दो को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जिससे 12 वोल्ट्स और 160 मिली एम्पियर्स का मुझे पावर मिलता है इस फ़ैन को चलाने के लिए। जो फ़ैन आप देख रहे हैं, ये फ़ैन छोटे से साइज़ का है, और आपको दिखाने के लिए मैं इस वीडियो में इस फ़ैन को चिन के बाहर में लगाया हुआ हूँ। आप इसको जब बनाएंगे तो आप अंदर की तरफ आप लगा लीजिएगा, और उसके बाद आप इस फ़ैन को आप जब भी ट्रैफिक में रुकेंगे तो ये आपको गर्मी से निजात दिलाएगी। इसके ऊपर जब सन की रोशनी पड़ेगी तब ये फ़ैन तेज़ स्पीड में घूमता है। 12 वोल्ट का ये फ़ैन है। आप इससे थोड़ा सा बड़ा फ़ैन ले लीजिएगा तो आपको अंदर में हवा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और ग्लास बंद रखने पे आपको अंदर में थोड़ी सी ठंडक महसूस होते रहेगी। खास करके आप जब गर्मियों के दिन में 40-42 डिग्री भारत में तापमान हो जाता है, तो हम लोग बाइकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी देर ट्रैफिक में हमें खड़ा रहना पड़ता है, उसके कारण हमें काफ़ी गर्मी लगती है। तो इससे बचने के लिए मैं ये DIY प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आप जब ये DIY प्रोजेक्ट बनाएं तो आप किसी भी तरह के हेलमेट में लगा सकते हैं, जिसमें आगे में चिन बनी हुई होती है, चिन प्रोटेक्टर आगे में लगी हुई है। आप चिन के अंदर में ही लगा लें, और इसकी वायरिंग बहुत ही आसान है। एक जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं राउंड सर्कल का, इसमें से एक सोलर पैनल में से दो तारे निकल रही हैं, देख लीजिए, एक ब्लैक और एक रेड। दूसरे में से भी एक ब्लैक और रेड निकलेगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो मैंने दोनों से 12 वोल्ट लेने के लिए 6 वोल्ट के सोलर पैनल के एक पॉजिटिव वायर को दूसरे पॉजिटिव सोलर पैनल के वायर से जोड़ दिया है, और उससे एक वायर निकाल दिया है। फिर पहले वाले सोलर पैनल के निगेटिव से दूसरे वाले सोलर पैनल के निगेटिव को कनेक्ट करके उससे एक तार निकाल दिया है, और 12 वोल्ट डीसी फैन में मैंने प्लस माइनस को कनेक्ट कर दिया है। अब सन की रोशनी जैसे ही इस सोलर पैनल पे पड़ेगी दिन के वक्त, ये फ़ैन काम करना शुरू कर देगा। ये थोड़ी सी धूप में भी ये फ़ैन चलते रहता है। आप जो इस वीडियो में फ़ैन देख रहे हैं वो फ़ैन थोड़ा छोटा साइज़ का है, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का फ़ैन भी मिलता है। आप चाहें तो चिन के अपने अंदर वही लगा सकते हैं, और ये सोलर प्लेट्स कभी ख़राब जल्दी होती नहीं, बस इनको थोड़े अच्छे से आपको चिपकाना पड़ता है हेलमेट के ऊपर, जैसे कि डबल साइडेड टेप से आप चिपका सकते हैं, ग्लू गन से भी आप चिपका सकते हैं, और आजकल जो ट्रांसपेरेंट जो टेप आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेप, आप उससे भी इसके ऊपर चिपका सकते हैं। और वायरिंग तो आपकी बहुत आसान है, प्लस को प्लस में मिला के निकाल दीजिए बाहर, माइनस को माइनस में मिला के निकाल दीजिए एक वायर, और दोनों प्लस माइनस को पंखे के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कनेक्ट कर दीजिए। बस इतनी सी काम करनी है आपको,
और आपका ये हेलमेट कूलर की तरह काम करेगा। जब भी आप घर से बाहर गर्मियों के दिन में निकलेंगे दिन के वक्त, रेड लाइट पे ट्रैफिक अगर काफ़ी देर तक रुकता है तो ये आपके सर के ऊपर जो लगे हुए सोलर प्लेट्स हैं वो 12 वोल्ट का आपको डीसी करंट बना के देंगे और ये डायरेक्ट फैन में चला जाएगा, जिससे फैन आपका अंदर में आपको चेहरे के ऊपर हवा देते रहेगा और आप बिंदास होके गाड़ी चला सकते हैं। थोड़ी सी आपको इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आप जब ये DIY प्रोजेक्ट बनाएं तो आप पतले वाले सेलो टेप से इसके जितने भी वायर्स हैं ऊपर ऊपर से आप इसको कवर कर दें। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग फैन फिट करने के लिए हेलमेट के अंदर हेलमेट को कट कर देते हैं, जिससे हेलमेट आपका बहुत कीमती बर्बाद हो जाता है। और ये जो आपको मैंने सेटअप दिखाया है, ये आप कभी भी ठंड के दिन में आप इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कटिंग वटिंग हेलमेट की करनी नहीं पड़ती। और ये फ़ैन भी बहुत आसानी से, अगर आप ये पटना से देख रहे हैं तो SKL इलेक्ट्रॉनिक्स में ये DIY प्रोजेक्ट का सारा सामान मिल जाता है, जो कि बाकरगंज में इसकी शॉप है। आपको वहाँ से ये फ़ैन मिल जाएगा। ये मेरे पास थोड़ा छोटा फ़ैन है 12 वोल्ट में, इसी में थोड़ी बड़ी साइज़ का फ़ैन आप लगा लीजिए, जो आपके चिन के साइज के हिसाब से, हेलमेट के साइज के हिसाब से अंदर में फिट हो जाएगा, किसी भी 3mm टेप को आप फिक्स करके। और वायरिंग को आप हेलमेट के साइड्स में अरेंज कर लीजिए। और फैन को अंदर चिपकाने के लिए ये देख लीजिए, IV ग्रिप टेप है। ये IV ग्रिप टेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेप होता है, आप कहीं भी इसको फिक्स कर दीजिएगा, कट करके इसको लगा दीजिएगा। डबल साइडेड होता है, ऊपर से भी ग्लू होती है, नीचे से भी ग्लू होती है। तो ये आप फैन के अंदर में लगा के चिपका दीजिएगा तो ये फैन आपका गिरेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं जल्दी से। बहुत खींचने के बाद ही ये फैन आपका निकलेगा। और वायरिंग वगैरह को आप पतले से टेप से कवर कर सकते हैं साइड्स के रबर बीड्स के अंदर घुसा के। ये DIY प्रोजेक्ट इस चैनल का पहला चैनल, ये हमारा चैनल पे पहला DIY प्रोजेक्ट का ये वीडियो है। आपको इसी तरह के DIY प्रोजेक्ट्स और भी फ्यूचर में मिलते रहेंगे। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल राज टेक्निकल व्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दें, ताकि हमें और भी इस तरह की वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट व्लॉग आपको मैं DIY प्रोजेक्ट्स में बताने वाला हूँ, बहुत काम का है। घर में आपके जो 1000 लीटर का वाटर टैंक आता है, उसके अंदर टैंक के अंदर कितना पानी है वो डिवाइस मैंने बनाया है, उसे कहते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। वो 9 वोल्ट्स की DC पावर पे चलता है। और बाथरूम में आप डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर लीजिएगा टैंक से, तो आपके टैंक में कितना पानी है वो आपको बता देगा। 20% है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, कितना परसेंट है वो अलग अलग LEDs के माध्यम से मैंने बनाया है। सो आपको जल्द ही उसका भी ब्लॉग आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और आप देख लीजिए इस वीडियो में, ये स्टील बर्ड का SB26 हेलमेट है। ये बिल्कुल बेसिक हेलमेट है स्टील बर्ड का, आप किसी भी हेलमेट में लगा सकते हैं इस सोलर प्लेट को, इससे कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। इसमें बैटरीज वगैरह मैंने इंस्टॉल नहीं की हैं, क्योंकि बैटरीज वगैरह के फटने का चांसेस भी गर्मियों के दिन में बना रहता है, जो कि आपके ये सर में ये हेलमेट आप लोग पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं, तो मुझे सेफ नहीं लगा। तो ये सोलर प्लेट वाली ये एक्सपेरिमेंट अच्छी है। आप ये 2 सोलर प्लेट की जगह, आपको अगर फ़ैन की स्पीड और ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 3 सोलर प्लेट भी लगा सकते हैं, गोल गोल वाली आप लगा सकते हैं। इसमें रेक्टेंगल शेप की भी सोलर प्लेटें आती हैं, लेकिन सब में यही दिक्कत होती है कि 12 वोल्ट का एक पीस सोलर प्लेट नहीं मिलता है,
6-6 वोल्ट्स का ही ये सोलर प्लेट मिलता है, रेक्टेंगल साइज में मिलता है और सर्कल साइज में मिलता है। तो हेलमेट के लिए मुझे बेहतर लगा कि मैं सोलर ये राउंड सर्कल वाला ही लूँ। ये देखिए मैंने अपने छत पे धूप में ये ले आया हूँ मैं हेलमेट को, और टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फैन चल रहा है, ये इसके ऊपर सनलाइट जब पड़ेगी तो ये डायरेक्ट 12 वोल्ट्स 160 मिली एम्पियर ये पावर बनाएगा और डायरेक्ट फैन में आपके ये यूज़ हो जाएगा। 6 वोल्ट्स का एक सोलर पैनल है ये, 6 वोल्ट 80 मिली एम्पियर्स ईच है, यानी 6 वोल्ट का एक है और दूसरा वाला भी 6 वोल्ट का एक है। तो 6-6 वोल्ट को मैंने आपस में जोड़ के 12 वोल्ट बना लिया है, और 12 वोल्ट से ही मिनिमम ये सब फैन चलता है। डीसी फैन जितने भी आते हैं मार्केट्स में, ये 12 वोल्ट्स की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और 160 मिली एम्पियर्स का ये करंट देगा। ये वीडियो में आपको थोड़ी फैन स्लो घूमती हुई दिख रही होगी, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का लैग होता है, इसलिए आपको उतने अच्छे से नहीं पता चलेगा। असल में जब आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा तो ये फ़ैन काफ़ी फास्ट चलेगा। मैंने यहाँ पे 2 सोलर प्लेट्स लगा दी हैं, आप चाहें तो इसमें 3 सोलर प्लेट्स लगा के फ़ैन की स्पीड और थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। और ये जो फ़ैन का जो साइज़ है, ये 30 रुपए का फ़ैन है, थोड़ा सा बड़ा फ़ैन ले लीजिएगा 50 रुपए वाला, तो आपको थोड़ी सी हवा ज़्यादा मिलेगी अपने हेलमेट के अंदर। और ये फ्री की बिजली है, धूप में आप खड़े रहते हैं ट्रैफिक में रेड सिग्नल पे, तो जब तक आप खड़े रहेंगे तब तक ये फ़ैन तो आपको मस्त हवा देते रहेगा आपके हेलमेट के अंदर, आपके चेहरे के सामने, तो आपको गर्मी से काफ़ी निजात मिल सकती है। और ये DIY प्रोजेक्ट काफ़ी सस्ता है, मात्र इसको मैंने 150 रुपए के खर्च पे बनाया है, और ये आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई बच्चा भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। 6-6 वोल्ट्स के 2 जो सोलर प्लेट्स हैं उसमें से 2 पॉजिटिव निकलेंगे, आपस में दोनों पॉजिटिव को जोड़ के एक सिंगल पॉजिटिव लीड निकाल देना है, फिर पहले वाले निगेटिव से दूसरे वाले निगेटिव को ज्वाइन करके एक निगेटिव सिंगल निकाल देना है, और फिर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, डायरेक्ट फ़ैन में आपको कनेक्ट कर देना है प्लस माइनस। और फ़ैन को आप इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि बाहर की तरफ है, क्योंकि ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये अंदर की तरफ आप यहाँ लगा लीजिएगा चिन के अंदर ये, और थोड़ा बड़ा फ़ैन लगा लीजिएगा ताकि आपको हेलमेट के अंदर थोड़ी अच्छी कूलिंग मिल सके गर्मियों के दिन के लिए। अच्छा प्रोजेक्ट है, आप बना सकते हैं। स्पेशली ये प्रोजेक्ट उन भाइयों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि रोड पे डिलीवरी बॉय का काम वगैरह करते हैं, उनको काफ़ी गर्मियों के दिन में धूप वगैरह का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये हेलमेट के अंदर ये फ़ैन लगाने वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। अगर कोई कंपनी, अच्छी सी कंपनी अगर ये मेरा वीडियो देख रही है, तो आप फ्यूचर में इस तरह के हेलमेट्स को बनाने के बारे में ज़रूर सोचें। स्पेशली स्टील बर्ड और वेगा कंपनी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें, और आपके जो आने वाले न्यू R&D प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस आइडिया को यूज़ करके इस हेलमेट के लिए भी कुछ आप बढ़िया सेटअप बना के रेडीमेड आप मार्केट में उतारें इस तरह का हेलमेट, तो आपके कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है, तो कंपनीज इसको 1200-1500 रुपए के हेलमेट में बहुत आसानी से दे सकती है, और गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको इस तरह का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें इसी तरह से आपको नए नए तरह की टेक्निकल नॉलेज और DIY प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी प्रोजेक्ट होती है इलेक्ट्रिक की, मैं आपको धीरे धीरे ला सकूं और इस वीडियो में आपको दे सकूं बेहतरीन तरीके से। थोड़ा कैमरा मेरा थोड़ा सा कभी कभी लैग करने लगता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा,
लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बस मुझे समझाना था, तो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है ये अभी छत पे मेरे। ये मेरे ब्लॉक का, मैं अभी इससे आप देख सकते हैं, ये मैं अपने वीडियो में पहला वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और ये मैं वीडियो अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ टेम्पररी बोया का माइक लगा के। आप मेरे बोया माइक का रिव्यू देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, और ये माइक काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करके आप चला सकते हैं, और ओपन कैमरा ऐप की मदद से ही आपका ये साउंड रिकॉर्ड होगा। चाहे आप दुनिया का कोई भी माइक खरीद लें, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ आपको। सो मेरी व्लॉग्स को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।